So whenever you have these kind of series and you are supposed to calculate the sum of first n term, how are you going to deal with it? Like, let us do two questions. Let's say I talk about the second question and then I will talk about the fourth question. Sn क्या होने जा रहा है मेरे पास? 7 plus 77. The first term is 1 times 7, second term is 2 times 7, third term is 3 times 7. Certainly, the nth term would be what? N times 7. I hope you understand that. Right? I hope you understand what is the series. So my suggestion is, see, इसके लिए तो कुछ ऑपरेशन हम लोग सोच नहीं पा रहे, लेकिन हाँ, अगर मुझे यहाँ पे हर चीज 9 बन जाए तो कुछ सोच पाएंगे. अब 9 कैसे बनाए? मैं क्या करूंगा, इसमें से 7 कॉमन ले लूंगा. व्हेन आई टेक 7 कॉमन, व्हाट डू आई गेट? आई गेट 1, 11, ट्रिपल 1 एंड सो ऑन. राइट, द लास्ट टर्म वुड बी 1111. हाउ मेनी टाइम्स? एन टाइम्स. बट 1 से भी कुछ बात नहीं बनेगी, 9 से बात बनेगी. क्यों बनेगी ये सोचूंगा, अभी बताऊंगा. पहले क्या, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें 9 तक पहुंचना है. तो अब इसको 9 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ऐसे कुछ तो कर नहीं सकते. मैथमेटिक्स में अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिंपल सी बात है, ठीक है? हम लोग, बोलो बेटा. सर, हम लोग इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रख सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे रखोगे? यहाँ तुम्हें क्या ये एपी दिख रहा है? नहीं ना. यस सर। क्या तुम्हें जीपी दिख रहा है? क्या यहाँ पे तो कॉमन रेशियो सेम है? बिल्कुल नहीं है. आप देखो, कॉमन रेशियो निकालना तो हमें आता है ना, आओ चेक कर लो. कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, राइट? इफ इज दैट इक्वल टू थर्ड टर्म ओवर दी सेकेंड टर्म? सर्टेनली नॉट, राइट? यहाँ तुम्हारे पास ये 1 1 आ रहा है और ये 1 1 नहीं है. बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो दिस इज नॉट अ जीपी, ये कोई रिकॉग्नाइज सीरीज नहीं है. तो पहले वी नीड टू कन्वर्ट इट टू अ फॉर्म जहाँ हम कुछ ऐसी चीज अप्लाई कर सके जो हमें आती है. हमें क्या, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सिर्फ सीखा है एपी और जीपी, सिर्फ दो बातें सीखी हैं. उस बेसिस पे हमें देखना है कि उस नॉलेज के बेसिस पे हम कैसे इस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको ये बोला, आपके माइंड में क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, कि तुम्हें यहाँ पे 9 क्रिएट करना है. क्या करना है? 9 क्रिएट करना है. अब मैं 9 क्रिएट करने के लिए मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा. अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो बाहर मेरे पास क्या जाएगा? 7/9, और 9 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ गया? दैट इज सर्टेनली कमिंग आउट टू बी व्हाट? 9 99, ट्रिपल 9 एंड सो ऑन एन एस टर्म तक. आई होप यू कैन सी दैट इट इज एग्जैक्टली द सेम सीरीज. जब तुम इसको 7/9 से मल्टीप्लाई करोगे, एग्जैक्टली मेरे पास क्या जाएगा? 7 विल कम, ऑल द 9 विल बी कैंसिल आउट. ओके, तो आप कभी भी, यू कैन नॉट चेंज द सीरीज, बट येस यू कैन री राइट इट, यू कैन मॉडिफाई टू अ पॉइंट वेयर कैलकुलेशन इज ईजिली डन. अब आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि आखिर हमने ऐसा किया क्यों, वाई हैव बी डन दिस. ओके, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट. ये 7/9 तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट ये जो 9 है ना, इसको पता है मैं कैसा लिख रहा हूँ? इसको मैं लिख रहा हूँ 10-1. और ये जो 99 है ना, इसको मैं लिखना चाहता हूँ 100-1. और ये जो 999 है, इसको मैं लिखना चाहता हूँ 1000-1, एंड सो ऑन. आई होप यू रियलाइज, ये जो nth टर्म है, फर्स्ट टर्म ध्यान से देखो क्या है तुम्हारे पास, 10-1, 10^1-1. सेकेंड टर्म पे अगर तुम थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे हो तो इट इज 10^2-1, एंड इफ यू लुक इन टू द थर्ड टर्म इट इज कमिंग आउट टू बी 10^3-1, एंड ग्रेजुअली वट विल बी दी nth टर्म? सर्टेनली दैट वुड बी 10^n-1, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हारे पास एक ऐसी सीरीज आती है, राइट? दैट इज वॉट यू आर गेटिंग हेयर. इफ दैट इज ओके, जस्ट राइट ओके इन द कमेंट बॉक्स. अगर यहाँ तक तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्विकली टाइप ओके इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन प्रोसीड अहेड. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आस्क मी टू रिपीट, जस्ट राइट आर, टाइप आर इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. ओके, वंडरफुल, आई हैव गॉट ऑल ओकेज, सो दैट इज फाइन. देखो यहाँ पे तुम्हें जैसी ये बात पता लग गई बेटा, अब देखो ये 7/9 तो तुम्हारे पास बाहर कॉन्स्टेंट है ना, दिस 7/9 इज कॉन्स्टेंट. अब देखो बच्चों, ये 7/9 इज नेवर अ प्रॉब्लम. मैं प्लस वाली चीज़ को अलग लिखता हूँ और माइनस वाली चीज़ को अलग लिखता हूँ. प्लस वाली चीज़ को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितना बन रहा है, इट इज़ 10, 10^2, 10^3. क्या ये जीपी दिख रहा है तुम्हें? सर्टेनली यस, एवरी टर्म इज बीइंग मल्टीप्लाइड टू 10. सो व्हाट इज द कॉमन रेशियो चिल्ड्रेन? इट इज 10, ठीक है? और ये तुम्हारे पास nth टर्म तक जा रहा है, 10^n तक जा रहा है.
और अगर आप वो नेगेटिव वाली चीज को देखोगे तो नेगेटिव वाली चीज कितनी है, -1, -1, -1, कितनी बार, n टाइम्स। अगर मैं -1 को दो बार करूं तो कितना होगा, -2, पांच बार करूं तो -5, n बार करूं तो कितना होगा, -n। सो दैट इज अगेन नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया ना, ये तुम्हारे पास जीपी है, ये ऑलरेडी n के फॉर्म में आ चुका है, द क्वेश्चन इज डन। आओ लेट अस रीच टू द फाइनल आंसर। जीपी का फॉर्मूला मुझे पूरी उम्मीद है आप जानते हैं क्या होता है, a टाइम्स r रेज टू द पावर n, r कितना है 10, 10 रेज टू द पावर n, -1 डिवाइडेड बाय r -1, 10 -1 कितना हो गया 9, और साथ में ये वाला n मेरे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है बच्चों, आप अगर चाहो तो इसको एक स्टेप और कैलकुलेशन कर लेना, अगर स्कूल एग्जाम में आएगा तो आप इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है देखो मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है, आई हेल्प यू बिकॉज पहला क्वेश्चन है तो मैं पूरा कंप्लीटली करके बताऊंगा तुम्हें, सो दैट यू लर्न एवरी सिंगल थिंग अबाउट सच क्वेश्चन। सो लेट्स सी कितना आ रहा है, ये इसको अगर मैं इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ बेटा, सो दैट विल बी 10 रेज टू द पावर एन प्लस 1, राइट, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास -10, मैंने 9 का एलसीएम ले लिया तो ये मेरे पास 9n आ गया, और ये डिवाइडेड बाई कितना हो गया बच्चों 9। सो नाउ द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म वुड बी 7/81 इंटू 10 रेज टू द पावर n प्लस 1 -9n -10। आई लीव दिस एज द फाइनल आंसर, मैं इस वाली चीज को फाइनल एक्सप्लेनेशन के तौर पे रखूंगा। अगर मैं यहाँ भी रख रहा हूँ ना, इवन इफ आई लीव द क्वेश्चन एट दिस प्लेस, राइट, इवन एट दिस प्लेस दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ फिर टीचर के हाथ में सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स होते हैं बेटा, बोर्ड में सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, तो हमेशा सिंप्लीफाई करके रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बार चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन था ये, लेट अस चेक द आंसर, इट वॉज सेकेंड पार्ट ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन, ओके लेट्स क्विकली चेक दैट फोर्थ क्वेश्चन एंड सेकेंड पार्ट, पहले तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, दैट वॉज योर आंसर, और फोर्थ का सेकेंड पार्ट हियर इट इज 7/81 10 रेज पावर एन प्लस 1 9n, एग्जैक्टली आप देख रहे हैं, ये हमेशा फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट, आई विल हेल्प यू विद वन मोर क्वेश्चन सो दैट यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन सच क्वेश्चंस, ओके, ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अगर इसमें कोई परेशानी है तो मुझे एक बार माइक यूज करके बताओ, अगर परेशानी नहीं है तो सिंपली रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड सो दैट आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट फास्ट प्लीज, प्रॉब्लम है टाइप करके बता दो, माइक यूज करके बता दो, जैसे चाहे वैसे बता दो, ठीक है, वंडरफुल, चलो सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, आओ एक डेसिमल वाला क्वेश्चन भी देखते हैं ये कैसे करना है, आई होप यू फाइंड देम इजी, राइट, बस एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस तुमने सीख लिया तो कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है, तो एक हमने कौन सा क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया था, एक डेसिमल वाले में हमने फोर्थ लिया, कोई भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, सारे क्वेश्चंस में सेम कॉन्सेप्ट यूज होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, बल्कि मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि साथ साथ नोट्स बनाते चलो तो बढ़िया है। फिर इस 0.5, 0.55, पहले टर्म में एक बार 0.5 है, दो बार, फिर सेकेंड टर्म में पॉइंट के बाद ये 5 रीअकर हो रहा है 2 times, थर्ड टर्म में 3 times आ रहा है, तो हमें सीरीज तो समझ में आ रही है ना, nth टर्म में क्या होगा, n टाइम्स रिटर्न, ये चीज़ रिपीट हो जाएगी, ठीक है, दैट इज वॉट वी अंडरस्टैंड। अब हमने क्या सीखा है कि हमें सबसे पहले इस तरह की सीरीज में ये 9 बनाना है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इस तरीके से करना है कि हमारा 9 बन जाए, तो सबसे पहले ये क्या करो, 5 पहले कॉमन ले लो, तुमने 5 कॉमन लिया तो ये क्या आ गया बेटा, 0.1 आ गया, और क्योंकि तुम एक क्वेश्चन अब कर चुके हो तो यहीं पे तुम अगर 5/9 कर लो तो क्या ये 0.9 हम लोग लिख सकते हैं ना, यू हैव जस्ट फिनिश्ड वन क्वेश्चन, सो आई बिलीव अब ये बात आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको शायद अब ये बात समझ में आने लगी होगी, अगर नहीं आ रही है तो बिना किसी हेजिटेशन के पूछ लो भाई, या तो चैट बॉक्स में डाल दो या फिर माइक यूज करके पूछ लो, मर्जी है तुम्हारी, आई होप दैट इज फाइन, ओके। तो जैसे तुमने ये रख लिया, अब बात आती है कि ये सीरीज कैसी है, इसको हम सोचना शुरू करते हैं, और सोचते हैं ये 5/9 तो तुम्हें पता है इसका कुछ नहीं करना, ये कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे ही रखते हैं, ये जो मेरे पास 0.9 है ना, इसको मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 1 - 0.1, ये जो 0.99 है इसको क्या लिखने जा रहा हूँ मैं 1 - 0.01, और अगर आप थर्ड टर्म को देखो बच्चों तो दैट इज 1 - 0.001,
तो एक सीक्वेंस तो यहाँ से दिखना शुरू हो जाती है, राइट। और अगर इस सीक्वेंस को थोड़ा और बेहतर देखना चाहते हो तो कुछ ऐसे देखो, वन तो कोई टेंशन नहीं है ना, इसको देखो, इसको तुम क्या लिख सकते हो बेटा, पॉइंट वन इज नथिंग बट वन बाई टेन, एंड वट इज पॉइंट जीरो वन, दैट इज नथिंग बट वन बाई हंड्रेड, और यू कैन से वन बाई टेन स्क्वायर। वट अबाउट दिस, इट इज वन ओवर टेन क्यूब। वट वुड बी दी एनथ टर्म चिल्ड्रेन, दैट विल बी वन माइनस वन ओवर टेन रेज टू द पावर एन, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ डू आई प्रोसीड लाइक दैट। और इसके बाद तो बस अब थोड़ी सी कैलकुलेशन रह गई है जो मुझे उम्मीद है आप आसानी से कर सकते हैं, बट फिर भी एक पहले इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो मैं जनरली एक क्वेश्चन तो पूरा पूरा तुम्हें करके बताता हूँ। तो 5 बाई 9 मैंने कॉन्स्टेंट लिया, 1 1 1 1 1 दो बार ऐड करूँगा तो 2 होगा, 5 बार ऐड करूँगा तो 5 होगा, 10 बार ऐड करूँगा 10 होगा, अगर n टाइम्स ऐड करूँगा तो कितना होगा, n होगा। तो ये 1 तो बन गया n, और ये माइनस साइन के साथ हमारे पास एक बन रही है GP, जिसमें टर्म्स हैं हमारे पास 1 बाई 10, 1 ओवर 100 या 1 बाई 10 स्क्वायर, जैसे चाहो वैसे लिख लो, 1 ओवर 10 क्यूब एंड सो ऑन, देर आर n टर्म्स, ठीक है, देर आर n टर्म्स। ये एक GP है जहाँ मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू मेरे पास 1 बाई 10 है, और r कैसे देखते हैं, सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, यानी r की वैल्यू अगर आप देखें तो r भी आपके पास कितना है, 1 बाई 10 है। ए भी 1 बाई 10 है और आर भी 1 बाई 10 है। क्या यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूला लगाना आता है क्या? बिल्कुल आना चाहिए बच्चों। तो 5 बाई 9 एन इज ऑलरेडी डन, वी जस्ट नीड टू अप्लाई इट हियर इन द नेगेटिव साइन। कितना होगा ए 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन। अब ध्यान से देखो, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आर माइनस आर की पावर एन माइनस 1 किया था और यहाँ पे मैं 1 माइनस कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि आर यहाँ पे 1 से छोटा है, इट इज 1 बाई 10, इसलिए मैं 1 माइनस आर कर रहा हूँ। तुम दूसरी चीज भी करते हो तो गलत नहीं है, बट येस इफ यू वॉन्ट टू सिंप्लीफाई इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। तो 1 बाई 10 की पावर कितनी हो गई बेटा, एन हो गई, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक है, दैट इज वॉट आई एम गेटिंग एज द आंसर। बट इज इट द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, सर्टेनली नो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हमें करना चाहिए, आओ कर देता हूँ, ठीक है। Control C. I'll copy to the next page so that I don't have to delete it. Right? तो मैं next page पे copy करके और यहाँ पे इसको complete final answer की तरफ move करूँगा। ऐसे ही तुम्हें भी अपने exam में करना है, ये ध्यान रखना बेटा। So it is 5 by 9 और यहाँ bracket पे तुम्हें work करना है। देखो work करो, ये तुम्हारे पास कितना हो गया, देखो ये वाली चीज़ तो 1 by 10 है, let it be 1 by 10. नीचे डिनोमिनेटर कितना होगा, 1 माइनस 1 बाई 10 विल बी 9 बाई 10, ठीक है। तो 9 बाई 10 का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है बेटा, न्यूमरेटर में। तो 9 बाई 10 का 9 तो यहाँ पे आएगा और 10 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ ये 1 बाई 10 किया और नीचे वाला किया, अब ये ब्रैकेट बच गया है। तो चलो इस ब्रैकेट को देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे भी एलसीएम ले लूँ तो 10 रेज टू द पावर एन एलसीएम होने जा रहा है। सो दिस टर्म विड बी 10 रेज टू पावर एन माइनस 1। आई होप एवरीवन among you is comfortable in all these calculations. Kitna ho gaya? This 10 is gone, right? This 10 is gone. How would I write the final answer, children? That would be 5 by n. Aur agar main yahan pe ye bhi LCM le lu, chaho to aise tum yahan pe bhi isko, you can leave it, right? No problem. Because ye n ke form mein hai, to aap aise rehne de sakte ho, koi problem nahi hai. Ye mere paas 1 by 9 ho gaya. Ye chalo le lo yaar, take this as the LCM, right? No issues. Aaiye LCM le lete hain, theek hai? बिकॉज जनरली मैंने देखा है पूरा पूरा होल एलसीएम ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म होता है, ठीक है, गलत नहीं है, बट हाँ जितना ज़्यादा सिम्प्लीफाई करो तो उतना अच्छा है। तो देखो कितना आ गया, दिस इज 9n इंटू 10 रेज टू द पावर n, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे तुम्हारे पास ये माइनस साइन के साथ देखो कितना आ गया, यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया माइनस साइन के साथ 10 रेज टू द पावर n, और ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, दैट इज प्लस 1, ठीक है, यू विल टेक इट आउटसाइड। सो द फाइनल आंसर शुड बी 5 अपॉन 81 इनटू 10 रेज टू द पावर एन, दैट इज द डिनोमिनेटर, एंड इन द न्यूमरेटर व्हाट डू यू हैव इफ यू वांट टू टेक 10 रेज पावर एन कॉमन, बिकॉज यहाँ भी और यहाँ भी है। तो यहाँ मैं लिखूंगा 9n माइनस 1 और साथ में एक प्लस 1 एक्स्ट्रा रह गया ये वाला, ठीक है। सो दैट इज हाउ आई लीव द आंसर। आइए आंसर अगर आप चाहें तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, दिस वॉज द फोर्थ क्वेश्चन, ओके लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन क्विकली।
So here it is, right, this one. Let me change the color, this one. So fourth question, this was your fourth question, okay? यहाँ पे इन्होंने ये further यहाँ पे इन्होंने LCM नहीं लिया, यहीं पे रहने दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, even that is fine, ठीक है? If you leave it at this stage, it's better. अगर आप इस लेवल पे छोड़ते हैं तो ये बेटर है, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे भी रहने देते हैं, that is absolutely fine, no issues. I hope that